हेलो गाइस, वेलकम टू द आरएनजी मीडिया। तो गाइस, जैसा कि आपने स्पाइडरमैन पुरानी वाली देखी होगी, जिसमें कि मेन रोल था सपोर्टिंग एक्टर का मेरी जेन वॉटसन का। तो आपने 2002 और 2006 में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर दूसरे नंबर पे जो रहा है वो मेरी जेन वॉटसन का रहा है। तो ये स्पाइडरमैन की एक साइड लवर भी रह चुकी हैं और एक सपोर्टिंग एक्टर भी रह चुकी हैं। और फिर उसके बाद मूवी रिलीज़ हुई द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जो 2012 में रिलीज हुई थी, जिसका मेन सपोर्टिंग एक्टर रोल था ग्वेन स्टेसी का, जबकि उसमें मेरी जेन वॉटसन का कोई रोल नहीं था। अगर वो सीरीज़ आगे जाके कंटिन्यू होती द अमेजिंग स्पाइडर 3 में, तो शायद मेरी जेन वॉटसन का हमें रोल देख सकता था। बट अब स्पाइडरमैन होमकमिंग आ रही है मूवी, तो अभी हमें कंफर्म नहीं था ट्रेलर देखने के बाद भी कि आखिर जेंडा का रोल आखिर क्या है। तो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि जेंडा कर रही है मेरी जेन वॉटसन का रोल स्पाइडरमैन होमकमिंग, यानी कि घर वापसी में। तो ये काफ़ी बड़ा रोल है और एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल है। और कॉमिक कॉन में इन दोनों ने, जो आप फोटो अभी देख रहे हो, उन्होंने जो फोटो खिंचवाई थी वो मेन लीड रोल कर रहे थे, पर अभी उनका बगल वाला रोल कंफर्म नहीं था कि वो आखिर किसका रोल कर रही हैं। तो इतने यंग आर्टिस्ट कैरेक्टर को लेना स्पाइडरमैन या मार्वल डिज्नी बहुत बड़ी सोच से लेता है। तो इनका जो मूवी में कैरेक्टर है वो काफ़ी नॉर्मल सा दिखाया है अब तक जो हमने देखा है ट्रेलर में। उनके बाल बिखरे से हैं और ज़्यादा वो अपनी लुकिंग वाइज पे ध्यान नहीं दे रही हैं। और जबकि मेरी जेन वॉटसन का रियल में, एक्चुअल में, कॉमिक बुक में रोल काफ़ी अच्छा है और एक्ट्रेशन है, क्योंकि वो स्पाइडरमैन की लवर है। तो गाइस, मेरी जेन वॉटसन का आपको रोल पता चली गया है और उनका जो मूवी में रोल दिखाया है कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर हमें मूवी देख के अभी हम कुछ कह नहीं सकते। और गाइस, मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए अनुप बैटल ने बोला था, और उनका प्लस एक क्वेश्चन था कि आपको क्या लगता है कि स्पाइडरमैन का सूट नॉर्मल होना चाहिए या स्मार्ट सूट होना चाहिए। तो अनुप बैटल को मैं ये बताना चाहता हूँ और एवरीबॉडी जो उस वीडियो को सुन रहे हैं, कि स्पाइडरमैन हो या कैप्टन अमेरिका हो या शील्ड हो, अगर उसके पीछे टोनी स्टार का हाथ है या उसकी टेक्नोलॉजी है, तो उसे नॉर्मल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से टोनी स्टार का स्टाइल है, उस तरीके से सबको होना चाहिए अगर उसके संग वो जुड़े हुए हैं। तो स्पाइडरमैन को मिलने के बाद उस स्पाइडरमैन का सूट अपग्रेड हुआ, कैप्टन अमेरिका को मिलने के बाद उसकी शील्ड में नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे कि वो मारते हैं तो मैग्नेट फील्ड से वो वापस आ जाती है, जैसे कि आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन में ऑलरेडी देख चुके हो। और हैरी कैरियर पर बूस्ट लगाना, पहले फ्लैग थे, पंखे थे, अब उसमें बूस्ट लग चुके हैं, तो ये नॉर्मल है टोनी स्टार के लिए। और गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर करो। और जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो यार, जा तो सब्सक्राइब करो, वरना उस पर शील्ड रख के मारो कैप्टन अमेरिका की, या लागू से मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।